हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आज के दिन जन्मे जातकों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में, लेकिन आपको पहले पंचांग के विषय में जानकारी देना चाहेंगे कि आज का पंचांग क्या है, किस प्रकार है। तो आइए जानते हैं आज के पंचांग के विषय में। दिनांक है आज 31, महीना मार्च, सन 2021, दिन बुधवार, संवत 2077 और हिंदी का महीना है चैत्र, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र स्वाति है, योग हर्षण है। 9:58 तक प्रातःकाल, उसके बाद वज्र योग आरंभ होगा। करण विष्टि है, राशि आज की तुला है और चंद्रमा का संचार चल रहा है तुला राशि में, और आज गणेश चतुर्थी व्रत भी है। तो जो भक्त गणपति जी का व्रत रखते हैं चतुर्थी का, तो वो आज व्रत रखें। आज के राहु काल का समय है 12:31 से लेकर 2:04 तक, और अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:55 तक। तो इसी अवधि में ही, अभिजीत मुहूर्त की अवधि में ही आज कुछ हिस्सा राहु काल का भी आ रहा है। अब क्योंकि राहु काल आरंभ हो रहा है 12:31 से और अभिजीत मुहूर्त का जो आरंभ है वो 12:07 से, तो आज अगर जो भी जातक अपना कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो वो 12:07 से लेकर 12:30 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल की अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो ये था आज का पंचांग। अब आगे हम चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं जो मेष राशि के जातक हैं, यानी कि मेष राशि एरीज साइन, तो उनके विषय में चर्चा आरंभ करते हैं। अच्छी सेहत के चलते आप किसी खेल कूद की प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। करीब रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। सबको अपनी महफिल में दावत देना है आपने, क्योंकि आपके पास आज अतिरिक्त ऊर्जा है, आज आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी, अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हल्का रोमांचित महसूस करेंगे। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही नौकरी पेशे से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में अपने कर सकते हैं। अपने जरूरी कार्यों को निपटाकर आज आप अपने लिए समय तो अवश्य निकालेंगे ही, लेकिन इस समय का उपयोग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं आज आप। उपाय क्या करें? आज का उपाय है आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अस्पताल आदि में रोगी जो होते हैं पेशेंट्स, उनकी आप मदद करें। आगे हैं चर्चा करेंगे जो वृषभ राशि है उनके दैनिक राशिफल के विषय में। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, आज का दिन ऐसे कार्य करने के लिए बहुत बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इसी के साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा कुछ दखलअंदाजी आज करेंगे और आज के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सराबोर भी महसूस करेंगे।
अगर आपका साथी अपना वादा ना निभाए तो बुरा बिल्कुल ना माने, आपको बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की जरूरत है। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिससे अतीत में आपके मतभेद थे। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं को आज पूरा कर सकता है। उपाय क्या किया जाए? तांबे या सोने के पात्र में आप जल पिए, इससे पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। मिथुन राशि यानी कि जैमिनी साइन, आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी भी महसूस करेंगे। यह बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आने वाला है, इसीलिए आज के दिन अपने धन का संचय करने का आप विचार बनाएं। अपने दिन की योजना बहुत सावधानी से तय करें, ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को बिल्कुल अनदेखा कर दें। सहकर्मियों और वरिष्ठों के पूरे सहयोग के चलते हुए दफ्तर में आपके काम और काज आज काफी रफ्तार पकड़ेगा। खेलकूद जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त ना हो कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। आपको यह महसूस होगा कि आज आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले कभी नहीं हुआ। उपाय क्या किया जाए? दूध व दही का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य होगा बेहतर। कर्क राशि यानी के कैंसर साइन, देखिए स्वयं को आशावादी बनाएं और उजले पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं एवं आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेंगे। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो बहुत पैसा सोच समझ करके ही खर्च करें। धन की हानि हो सकती है आज, आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राई का पहाड़ भी बना सकते हैं। किसी से आंखें चार होने की काफी संभावना है। यदि आप नई जानकारी और क्षमताएं विकसित करने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे कार्य पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप वापस अपनी बचपन में लौट गए हैं। उपाय क्या करें? उपाय करें सुबह उठते ही ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। उससे क्या होगा? आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, देखिए प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दुगना करेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए आज अच्छी नहीं है। आज के दिन आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित करके रखना होगा। अपने परिवार को पर्याप्त समय देना होगा, उन्हें महसूस ये होने दें कि आप उनका बहुत ही अधिक ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका भी उनको ना दें। सारी दुनिया की मदहोशी उन खुश नसीबों के बीच सिमट जाती है जो प्यार में हो। जी हाँ, आप वही खुशनसीब इंसान हैं। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं आप। जो लोग अब तक किसी कार्य में व्यस्त थे आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है। लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। विवाह के बाद कई बातें जरूरत से आगे बढ़कर अनिवार्य हो जाती हैं। आज ऐसी ही कुछ बातें आपको काफी व्यस्त रख सकती हैं। उपाय है आज का, नीले कपड़े में 7 काले उड़द के दाने, 7 काली मिर्च, 1 कच्चा कोयला किसी भी सुनसान जगह दबाने से आपकी आर्थिक स्थिति में होगा अद्भुत तरीके से सुधार। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, आप खाली समय का आज आनंद ले सकेंगे। पैसे की अहमियत को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से भी आज निकल सकते हैं।
बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय आप अलग से निकालें। आज रोमानियत का मौसम जरा थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि आपका साथी आपसे कुछ आज ज्यादा ही अपेक्षा करने वाला है। आपके जो वरिष्ठ सहकर्मी हैं और रिश्तेदार मदद का हाथ बढ़ाएंगे आपके लिए। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है, तो आपको इस समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। ऐसा करके अपने भविष्य को आप बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। शादी देखिए सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी है जरूरी। उपाय, आज का उपाय है चांदी की चूड़ियां या चांदी का कड़ा धारण करने से प्रेम संबंधों में होगी मजबूती। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा भी ले सकते हैं। घर की जरूरतों को देखते हुए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कोई कीमती सामान भी खरीदने जा सकते हैं, जिससे आर्थिक हालात थोड़े आपके तंग होंगे। अपने करीबी लोगों के सामने ऐसी बातें उठाने से बिल्कुल बचें जो उन्हें उदास कर सकती है। अटके कार्यों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिल और दिमाग पर छाया रहेगा। व्यवसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर चलते आ रहे कार्यों को पूरा करेंगे। समय का पहिया बहुत तेजी से चल रहा है और चलता भी है, इसीलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीखें। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए कोई फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। उपाय क्या किया जाए? आज उपाय किया जाए, भगवान में आस्था रखें और सतगति करें और मानसिक हिंसा से बचने के लिए क्या करें? इससे जब आप सदगति करेंगे और भगवान में अपनी आस्था रखेंगे, उनका ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, कुछ रचनात्मक करने के लिए अपने दफ्तर से आज थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करें। अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का भी सहारा लें। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहने वाली है। आज आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम काफी फलदायी सिद्ध होने वाला है। समय का सदुपयोग करना बिल्कुल सीखना है। यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक कार्य करने की आज कोशिश करें। वक्त को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद भी आज दें, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और अधिक निखार आएगा। उपाय क्या किया जाए? उपाय बताएंगे आपको। काले सफेद तिल आटे में मिलाकर उसकी गोलियां बना लें और मछलियों को डालें किसी भी तालाब में जाकर कहीं भी, तो उससे क्या होगा, आपकी मानसिक जो शांति है वो बनी रहेगी और आपका जो तनाव है वो कम होगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर के आएगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट या कचहरी में अटका हुआ था तो आज उसमें आपको विजयश्री मिल सकती है और आपको धन का लाभ भी हो सकता है। रिश्तेदारों के यहां जाना उससे काफी बेहतर रहेगा। जितना आप सोच सकते हैं, जो लोग अपने प्रेमियों से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद भी सता सकती है। रात के वक्त प्रेमी से घंटों फोन पर बात कर सकते हैं। नई परियोजनाओं और कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। वह काम जो आज आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे
न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक बनेगी। शादीशुदा जिंदगी के तमाम मुश्किल दिनों के बाद आप और आपका हमदम फिर प्यार की गर्माहट आज महसूस कर सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय करें, विधारा की जड़ को रात्रि में एक पात्र में भिगो कर रखें एवं अगली सुबह उस जल का सेवन करने से पारिवारिक जीवन में खुशियों में वृद्धि होगी। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, देखिए अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमिए। जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। अपनी बातों पर आप काबू रखें क्योंकि इसके चलते बड़े बुजुर्ग आहत महसूस आज कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से तो बेहतर है भाई कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ अपने देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका बहुत अधिक ख्याल रखते हैं। आज आप ये महसूस करने वाले हैं कि प्यार दुनिया में हर मर्ज की दवा होती है। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में लगती हैं। बातचीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। अगर हाल में आप व आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे तो आज हालात बदल सकते हैं। आप दोनों आज बहुत मजे करने वाले हैं। आज का उपाय क्या करें? देखिए, अगर चाहते हैं आर्थिक स्थिति अपनी बेहतर करना तो उसके लिए आपको एक छोटा सा और बहुत सरल उपाय यही है कि गाय को गुड़ खिलाएं। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन की कमी है तो आज घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह आप ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में कम रुचि के चलते बच्चे आपको थोड़ा निराश आज करेंगे। आपके प्रिय या जीवन साथी का फोन आपका दिन बना सकता है। लगता है कि आपके वरिष्ठ आज देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर भी पधार सकता है जिसकी वजह से आपका कीमती समय उनकी खातिर तवज्जो में जाया हो सकता है। आज का दिन उन्माद में घिर जाने के लिए है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का भी अनुभव करने वाले हैं। उपाय आज का क्या बनता है? उपाय बनता है, शराब के सेवन से मंगल बिगड़ते हैं, इसीलिए पारिवारिक सुख के लिए आप इसको त्याग दें। मीन राशि यानी के पाइसेस साइन, किसी दोस्त की ज्योतिषीय सलाह आपकी सेहत के लिए काफी आज उपयोगी रहेगी। केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करने वाले हैं वहां से नई दोस्ती की शुरुआत होगी। अचानक मिला कोई सुख संदेश नींद में आपको मीठे सपने देने वाला है। नई परियोजना को आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त भी खराब होता है। आज अपने जो आदतें हैं ऐसी थोड़ी उनको गंदी आदतें जिनको हम कहते हैं उनको भी अपने नियंत्रण में रखें और जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च आज ना करें। और आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करने वाले हैं वहां से किसी नई दोस्ती की शुरुआत आज हो सकती है। अचानक मिला कोई सुखद संदेश आपको नींद में मीठे सपने देगा। नई परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए दिन शुभ है। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचिएगा जिनके साथ आपका वक्त सिर्फ और सिर्फ खराब होता है। अपने जीवन साथी के चलते हुए आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग जो है वो धरती पर ही है। उपाय क्या किया जाए? उपाय करें, कन्याओं में चॉकलेट, जो छोटी कन्याएं होती हैं 9 वर्ष से कम की या 9 वर्ष तक की कन्याएं, उनमें चॉकलेट टॉफी या सफेद मिठाई बांटें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो साथियों, ये था दैनिक राशिफल।
मेष राशि के जातकों से लेकर मीन राशि के जातकों तक। और ये पूर्ण रूप से जो ग्रहों की वर्तमान में गोचर में स्थिति है उसी के ही आधार पर है। तो अब अंत में हम अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और आप अपने जो हमारे साथी लोग हैं सभी से ही इजाजत चाहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।